यूके में और जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और आपके पास बार बार एक ही जवाब आता है, योर प्रोफाइल इज नॉट शॉर्टलिस्टेड। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से शॉर्टलिस्ट नहीं होती है और आपको कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूके के बारे में। यूके में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जिसको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उनके मुंह पे एक ही चीज आती है, योर प्रोफाइल इज नॉट सिलेक्टेड, राइट। तो आज हम इसके बारे में जो भी पॉइंट्स है वो कवर करने वाले। फर्स्ट रीजन है हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर क्या करते हैं, आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर वो चेक करते हैं, सबसे पहले 1 ईयर वाले एक्सपीरियंस की प्रोफाइल और 4 ईयर वाले एक्सपीरियंस की प्रोफाइल। जिसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, उनके कंपेयर में 4 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे काफी उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू 1 ईयर एक्सपीरियंस के कैंडिडेट को। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है रीजन टू। रीजन टू के अंदर इंटरनल कैंडिडेट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इंटरनल कैंडिडेट के अंदर ऐसा होता है कि एक जगह पे उनके एक डोमेन के अंदर एक ही जितने स्किल सेट वाले होते हैं और दूसरे स्किल सेट में भी वो मैच हो सकते हैं, दैट टाइम वो लोग इंटरनली प्रेफरेंस सबसे पहले आते हैं। नाउ रीजन थ्री। रीजन थ्री में ऐसा है कि रेफरेंस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। रेफरेंस कैंडिडेट, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, मैंने किसी को रिकमेंड किया है, मैंने दिया है कि भाई ये बंदे के लिए, ये प्रोफाइल के लिए ये बंदा आपके लिए सूटेबल है, तो रेफरेंस के हिसाब से जो भी रिक्रूटर्स होते हैं बाकी उनके पास जितनी भी प्रोफाइल उसको बाईपास कर देते हैं और जो भी रेफरेंस है उसी को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक उनके लिए फिल्टर करना और इजी हो जाता है, रेफरल के हिसाब से होता है तो ट्रस्टवर्दी हो जाता है। तो ये उनके लिए विन विन कंडीशन हो जाती है जब रेफरल्स में उनके कैंडिडेट मिल जाते हैं, उनके साथ उनकी मेहनत भी कम हो जाती है फिल्टर करने की या फिर नए नए जितने भी प्रोफाइल्स है उनमें से देखने के वगैरह का। उसके बाद लोकल कैंडिडेट। बहुत सारी कंपनियां लोकल कैंडिडेट, दैट मीन्स न्यूज़पेपर वगैरह में एड्स देते हैं या लोकल चैनल्स पे एड देते हैं, तो लोकल कैंडिडेट होते हैं वो उनके लिए इजी हो जाता है, जो भी उनकी जो क्राइटेरिया होते हैं वो इजीली सेट हो जाते हैं, तो लोकल कैंडिडेट को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं ओवरसीज में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको प्रायोरिटी कम मिलती है, तो वो भी उसी तरह से वो लोग चेक करके दे देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रीजन अर्जेंट जॉब के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है और उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे टीम होती है वो पूरी के पूरी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है, तो दूसरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मैच करने के लिए टेम्पररी बेस पे भी हायरिंग करते हैं और परमानेंट बेस पे भी हायरिंग करते हैं, तो उसी टाइम पे वो लोग फटाफट प्रोफाइल्स को फिल्टर करके थोड़े बहुत 80-20 मैच क्राइटेरिया को मैच करके हायरिंग कर देते हैं, तो वो इसी तरह से होता है। नाउ रीजन नंबर 6। उसके अंदर ऐसा होता है कि बजट वाइज होता है, काफी जगह पे उनका बजट फिक्स होता है कि इतने बजट के अंदर, फॉर एग्जांपल कि आर्ली बेसिस पे इतना बजट है या फिर उनकी जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है उनका इतना बजट है, तो वो बजट के हिसाब से वो लोग हायर करते हैं, तो काफी टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो बजट के अंदर एज पर गवर्नमेंट लॉ सेट नहीं होते हैं, तो वो उन क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। उसके बाद मैं आपको मेन चीज बताती हूँ जो हमेशा जॉब सीकर्स होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन होता है सीवी होते हैं, सीवी टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं, उसकी वजह से उनकी सीवी रिजेक्शन का सबसे बड़ा रेशियो बन जाता है। दूसरा होता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल, जब आपकी सीवी जितनी भी टाइम अपलोड करते हो या फिर आप कहीं पे अप्लाई करते हो उसी टाइम पे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी उसी हिसाब से अपडेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हायरिंग कर रही हूँ और मैंने आपका सीवी देखा और लिंक्डइन के ऊपर भी आपकी प्रोफाइल देखी, दोनों में से एक भी चीजें मिलती नहीं है, तो मैं आपके प्रोफाइल को तुरंत रिजेक्ट कर दूंगी, मैं उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, क्योंकि दोनों मैच नहीं होता है तो उसके आगे कोई काम करने का सेंस ही नहीं बनता। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर आपके कीवर्ड्स किस तरह के लिखे हैं, आप कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके कीवर्ड्स है दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी एक बड़ी मैटर होती है क्योंकि बहुत सारे जॉब सीकर्स ये चीजें भी नहीं देखते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ टाइटल देख लिया और हमने एप्लीकेशन डाल दी, ऐसा कभी नहीं करना। बिकॉज ऑफ क्या होता है, जब भी आप टाइटल देख लेते हो उसकी जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप देखते ही नहीं हो, जब वो देखते नहीं हो और आपकी सीवीज है दोनों मैच ही नहीं होते हैं, तो आपकी प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ आपने क्या किया, टाइटल देख के डाल दिया, बट टाइटल देखने के बाद आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी ना आपने जॉब रोल नहीं देखा, तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको पता नहीं था कि आपने एग्जैक्टली कौन से रोल के लिए अप्लाई किया, तो
तो ये आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा जॉब का सीवी रिजेक्ट होने। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि आप जब सीवी डाल रहे हो तो सीवी के साथ कवर लेटर कभी मत डालो, बिकॉज ऑफ वो डिपेंड होता है कि सीवीज होता है, सीवीज के अंदर आपकी 80% स्किल सेट, आपकी एक्सपीरियंस सब कुछ होता है, और बाकी 20% होते हैं जिसमें आपकी हॉबीज होती है या पर आपकी अदर एक्टिविटीज होती है वो। तो जो रिक्रूटर्स होता है उसको आपकी सिर्फ और सिर्फ 80% की जो प्रोफाइल की डिटेल है उससे उनको मतलब होता है, 20% होता है वो इतना कंपनीज के लिए हेल्पफुल नहीं होता है, वो आपके लिए होता है। पर हाँ, कभी कभी 20% भी रोल दी जाते हैं कंपेयर टू 80% और 100% के सामने रोल कर जाते हैं इनका काम, बट 80% मेन फोकस होता है, तो ये एक बड़ा रीजन हो जाता है। फिर जब सीवी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उसके साथ कवर लेटर डाल देते हैं, लेकिन कवर लेटर हर जगह पे डालना जरूरी नहीं होता, बिकॉज ऑफ सीवी में आपकी सारी डिटेल तो हो जाती है, तो कवर लेटर जहाँ पे रिकमेंड होता है वहीं पे दे, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोगों को कवर लेटर और सीवी के बारे में भी नहीं पता। सो कवर लेटर ऐसा होता है कि आप ये पोजिशंस के लिए क्यों एलिजिबल हो, वो आप कवर लेटर में एक्सप्लेन करते हो। बल्कि सीवी में इस तरह का होता है कि आप के पास क्या एक्सपीरियंस है, आपके पास कितने एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही आपका सीवी रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको कवर लेटर डालना है, कहाँ पे आपको सीवी डालना है। तो ये दोनों चीजें भी आपको पता नहीं होती है तो आपके सीवी रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो हर बार पोजीशंस के हिसाब से आप सीवी को ऐड करते जाओ, सीवी की अंदर आपकी जो पोजीशंस है उसको भी अपडेट करके अप्लाई किया करो। और ऐसा नहीं होता हर जगह पे हर कंपनी में आप अप्लाई करो, इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो भी देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनीज जॉब के बाद आपको स्पॉन्सर्स देती है, कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं देती, और स्पॉन्सरशिप वाली जो कंपनी की गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से लिस्टेड है उसको देख के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंपनी हर एक स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर नहीं देते, बिकॉज ऑफ उनको भी काफी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभी उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपका पूरा जो भी इश्यूज था वो क्लियर करवा दिया कि सीवी रिजेक्शंस बार बार क्यों आते हैं। तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।